दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो एमपी परीक्षा ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको शिक्षक वर्ग एक एवं वर्ग दो की सर्वश्रेष्ठ टेस्ट सीरीज द्वारा तैयारी कराई जा रही है। शिक्षक वर्ग एक के लिए अगर हम बात करें तो भाग आ हिंदी एवं विज्ञान की टेस्ट सीरीज यहाँ पर उपलब्ध है। शिक्षक वर्ग दो की अगर हम बात करें तो हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, अंग्रेजी एवं विज्ञान की टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर उपलब्ध है। आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं GUIDPEB50 और यहाँ पर 50% की छूट आप प्राप्त कर सकते हैं टेस्ट सीरीज को परचेस करने पर। दोस्तों, इसके अतिरिक्त अब आप मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं। फॉलो करने के लिए लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। यहाँ पर आपको MPTET और MPPSC के बहुत सारे कोर्सेस मिल जाएंगे जो मैं अभी क्रिएट कर रहा हूँ और साथ में आगे क्रिएट करने वाला हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप 4 के रिजल्ट के बारे में। ग्रुप 4 का जो रिजल्ट है ये डिक्लेयर कर दिया गया है PEB के द्वारा। ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3, स्टेनोग्राफर, स्टेनोटाइपिस्ट, डाटा एंट्री ऑपरेटर, कम्बाइंड रिक्रूटमेंट टेस्ट जो था वो यहाँ पर घोषित कर दिया गया है। और इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा कि ये इसमें कट ऑफ क्या गया है, कितने लोग इसमें शामिल हुए थे और क्या रिजल्ट रहा है, देख लेते हैं हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ पर आप PEB की साइट पर क्लिक करेंगे तो ये देखिएगा, यहाँ पर नवीन सूचनाओं में ऊपर ही आपको यहाँ पर दिख जाएगा ये रिजल्ट जो अभी घोषित किया गया है। इसको आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ऑप्शंस दिखेंगे कि फाइनल आंसर, जिनसे आप अंतिम उत्तर देख सकते हैं कि सही उत्तर के बाद अंतिम उत्तर कौन सा आया है। रिजल्ट नोट, यहाँ से आप ये देख सकते हैं कि कितने कैंडिडेट से शामिल हुए थे, किस कैटेगरी के और किस जिले से कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर शामिल हुए थे, यहाँ से आप कट ऑफ देख सकते हैं। तो आइए हम विस्तार से सब कुछ देख लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर हम कट ऑफ देखेंगे। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में अगर हम बात करें तो मेल के लिए 86.62 कट ऑफ है, और यहाँ पर अगर हम बात करें फीमेल के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में तो 88.2 कट ऑफ आप देख सकते हैं। वहीं SC कैटेगरी के लिए 78.42, SC फीमेल के लिए 77.84, ST के लिए 65.6 और ST फीमेल के लिए 71.6, OBC के लिए 85.73 और OBC फीमेल के लिए 83.51। यहाँ पर अगर हम बात करें तो सहायक ग्रेड 3 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए गया है। शीघ्र लेखक के लिए अगर हम बात करें यहाँ पर तो 81.14 SC के लिए यहाँ पर, और ST के लिए 88.4। इस तरीके से अगर हम बात करें SC अनरिजर्व्ड, OBC सभी के लिए यहाँ पर आपको दिख जाएगा कट ऑफ। इससे डाउनलोड कर सकते हैं आप और देख सकते हैं, लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं रिजल्ट नोट, और रिजल्ट नोट की अगर हम बात करें तो परिणाम 12 दिसंबर 2018 को आया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पर इनको आवेदन प्राप्त हुए, तो 125,414 मान्य आवेदनों के प्रवेश पत्र जारी किए गए थे, जिसमें से 1,04,824 यहाँ पर जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा में सम्मिलित हुए। तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, और यहाँ पर आपको लिस्ट भी दी गई है, एप्लीकेंट लिस्ट सिटी वाइज एक्सेप्टेड, सिटी वाइज कितने एप्लीकेंट की जो लिस्ट है वो एक्सेप्टेड की गई थी वो भी आप यहाँ पर सिटी वाइज देख सकते हैं कि ये जो है कितने कैंडिडेट्स यहाँ पर। और ये देख सकते हैं आप, टॉप 10 एप्लीकेंट रिपोर्ट आपको यहाँ पर दी गई है, और उनके मार्क्स कितने हैं ये भी आपको यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि फर्स्ट नेम अमन, लास्ट नेम कटारे, और फादर का नाम यहाँ पर, कैटेगरी और कितना उन्होंने स्कोर किया, सिटी का नाम भी यहाँ पर आपको दिया गया है। ये देख सकते हैं टॉप 10 के नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं। दोस्तों, इसके अतिरिक्त आप नीचे दी गई लिंक से की कमेटी रिकमेंडेशंस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि किसी प्रश्न को अगर कैंसिल किया गया है तो उसके बारे में भी यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूंगा, उसको आपको डाउनलोड आप कर सकते हैं नीचे दी गई लिंक से। तो जो भी क्वेश्चन को कैंसिल किया गया है या उसका चेंज किया गया है उत्तर, तो वो भी आपको इसमें यहाँ पर मिल जाएगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अपना रिजल्ट चेक कर लिया तो आप अपना रिजल्ट नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।